टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिथिला यूनिवर्सिटी का आपको AECC पेपर, जो कि ये PG में ही पूछा जाता है आपका, और ये आपका सेमेस्टर वन में ही पूछा जाता है, मैथ ऑनर्स का ही है। और ये बहुत सारे मैथ ऑनर्स के अलावा और सब भी, जैसे जूलॉजी ऑनर्स, उन सब का भी यही क्वेश्चन आता है, तो वो तो उन लोग की बात है। तो हम यहाँ पे AECC का पेपर यहाँ पे लेके आए हैं। ये साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए आता है। तो ये है आपका 2021 से 2023 के सेशन का है, सेमेस्टर वन का है, और ये PG मिथिला यूनिवर्सिटी का है। तो हम देखते हैं आगे क्या। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का होता है। ये कितना नंबर का रहता है आपका एग्ज़ाम? 50 मार्क्स का रहता है। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका टोटल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 7 ऑब्जेक्टिव होता है, और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का रहता है, और इसका आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो देखते हैं यहाँ पे वातावरण के कारकों को बताएं, मतलब ये ऑप्शंस बाय है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। और दूसरा है ओजोन परत उपस्थित होते हैं, और फिर उसके बाद बी के बाद सी नंबर है यहाँ पे, इनमें से कौन C2 संरक्षण में नहीं आता है। फिर है नीचे दिए गए शहरों में किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में तृतीय स्वच्छ स्थान प्राप्त हुआ है, ये है। और फिर उसके बाद किस नौकर शाह ने स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व किया था, और फिर उसके बाद ये F नंबर है, और फिर उसके बाद ये G नंबर है। तो ये ऑब्जेक्टिव था आपका, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये सब्जेक्टिव है आपका, 3 सब्जेक्टिव बनाना होता है। तो 3 सब्जेक्टिव में मतलब ये 5 नंबर का रहता है, 5 × 15 नंबर, और यहाँ पे 15 नंबर आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 और लॉन्ग में बनाना पड़ता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का रहता है, तो 7 × 21, इसमें से भी आपको 3 कोई भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपका 21 नंबर और यहाँ पे 15 नंबर, 21 और 15 कितना हो गया, 36, और 14 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से, तो इस तरह से आपका 50 नंबर आपका आ जाता है। अब हम इसका आंसर भी देख लेते हैं, चूँकि आंसर इसमें है तो बता ही देते हैं। अब है वातावरण के कारकों को बताएं। ऑप्शन है जैविक, अजैविक, संसाधन एवं नियंत्रण कारक। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, इनमें से सभी इसका क्या है, सही आंसर है। और है ओजोन परत उपस्थित होते हैं, तो वह है स्ट्रेटोस्फीयर में ये क्या रहते हैं, ओजोन परत उपस्थित होते हैं। और फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड अंडर C2 कंजर्वेशन, इनमें से कौन जो है C2 सर्वेक्षण में नहीं है, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए शहरों में किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में तृतीय स्थान हासिल किया है, तो वो है विजयवाड़ा, इसका आंसर सही क्या है, विजयवाड़ा। किस नौकर शाह ने स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व किया था, तो वो है परमेश्वर अय्यर ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। किस स्थान पर स्वच्छ भारत मिशन को आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था, तो यह राजघाट नई दिल्ली में इसको किया गया था। और निर्मल भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर 2009 है, निर्मल भारत अभियान का राइट आंसर क्या है, 2009। तो इस तरह से, और बाकी का तो यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। तो इनमें से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर डिजीज, एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एबायोटिक फैक्टर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें हिंदी मीडियम में नहीं, इंग्लिश मीडियम में लिखना पड़ता है, क्योंकि MSc जो होता है वो मैथ ऑनर्स के लिए मीडियम उसका क्या होता है, इंग्लिश होता है, तो उसको इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। इसको क्वेश्चन भी और आंसर भी दोनों आपको किस में लिखा पड़ता है, इंग्लिश में लिखना पड़ता है। और ये क्वेश्चन दोनों में देते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और यहाँ पे लॉन्ग में है जल प्रदूषण का वर्णन करें, डिस्क्राइब वाटर पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन लॉस ऑफ द बायोडिवर्सिटी। तो इस तरह से ये आपका क्या होता है, AECC, ये आपका 50 नंबर का कंप्लीट होता है। तो ये पेपर भी नेसेसरी है, इसको देना पड़ता है आपको एग्जाम में। और बाकी का इसके बाद मैं आपको PG सेमेस्टर 2 में कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।